और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा कांग्रेस सांसद के ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिलने की भी है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर पड़ी आईटी रेड में करोड़ों रुपए कैश मिलने की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद के झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया है और अभी गिनती पूरी होने में और वक्त लग सकता है। आयकर विभाग की टीम ने अलमारियों में मिले नोटों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कराया है। आयकर विभाग के अनुसार ये देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी होने का अनुमान है। प्यार के कई किस्से सुने होंगे आपने, लेकिन शायद ये न सुना हो। जम्मू में एक शख्स अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है क्योंकि इस घर से उनकी पत्नी की यादें जुड़ी हैं। दरअसल घर के सामने 4 लेन सड़क पर काम चल रहा है और इसके लिए उनके घर को तोड़ना पड़ता, लेकिन कोरोना काल में दुनिया छोड़ गई पत्नी की यादों को सहेजने के लिए शख्स ने अपना 4 मंजिला घर दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर बंदरों के कब्जा करने की चर्चा है। आलम यह है कि पुलिस कमिश्नर के यहाँ शिकायत करने वाले पीड़ित भी बंदरों से बचने की कोशिश में दफ्तर के अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस वाले बंदरों को हटाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वे अपनी धमाचौकड़ी से उनके पसीने छुड़ा देते हैं। बंदरों से हो रही मुश्किल से निपटने के लिए अब फिर से लंगूर के कटआउट लगाने का फैसला लिया गया है। पहले कटआउट लगे होने से बंदरों की आवाजाही कम हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद फिर से बंदर दफ्तर में उत्पात मचाने लगे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में एक मंदिर में चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल है। ये वीडियो लक्ष्मीनाथ नगर इलाके में बने श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर का बताया जा रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि रात में एक नकाबपोश चोर मंदिर के अंदर घुसा और वहां से दान पत्र और चांदी के छत्र चोरी कर फरार हो गया। आरोपी ने महज 3 मिनट के भीतर इस वारदात को अंजाम दिया। पुजारी की शिकायत पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।